हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सातवां दिन है, आज छठा दिन है आज। और तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सब लोग यहाँ पे खाली कर दिए हैं और अब हम जाएंगे, फिर हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। यहाँ है दादू। कहाँ से आप? बुझोता से है ये, और ये यात्रा करने आए हुए हैं। पहले आए हैं आप? हेलो। तो आज हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मथुरा। अभी हम थे गोकुल में, अब हम जा रहे हैं मथुरा। हमारी बस वहाँ पे रुकी हुई है और हम सारा सामान लेके यहाँ पर है, और मेरे साथ ये भी एक छोटा डॉन, इसके पास तो गन भी है। नहीं जा रही, नहीं अभी परे को लग रही है, यहाँ पे शमान करना, इसमें फिर शमान। मथुरा कभी आओ तो जब आप दर्शन करने जाओ तो अंदर नहीं ले जाने देते फ़ोन वगैरह कुछ भी, मैं आपको बता देती हूँ। लाया जा रहा है जूस। दादी पैसे मांग रही। अभी यहाँ पे दिए जा रहे हैं किशमिश। दादी आपने लिए किशमिश? ये हमारे खुद ही हैं, और पर हमारे पास ऑलरेडी थे लेकिन हमने लिए, हम इसमें डालेंगे ये। हम इसको पर्स में डाला। हमारे पास संतरा भी है, देखिए ये भी हमारे को किसी और ने दिया है। माँ वैष्णो देवी धाम जो कि है वृंदावन में ही, तो अभी हम वहाँ जा ही रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सारा रश लग रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पर रश है, आपको दिखाते हैं अभी कितना रश है। नहीं हम लोग भी लाइन में खड़े थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये देखिए इस पे चढ़िए। यहाँ पे ना उस साइड से वीडियो बन रही है क्योंकि उधर से धूप पड़ रही है ना, जो कि इनके बिल्कुल ऐसे पड़ रही है, बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। उससे आगे सारे चल रहे हैं। माता के दर्शन जो कि हम करते हैं, रात को तो नींद आ रही है बेचारी को। देखिए ये मुझे बुला रहे हैं। इधर को कहीं घूमने जाओ और गोलगप्पे ना खाओ, ये तो गलत बात है ना। देखी हूँ मैं एक ही पीस है। वृंदावन में कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या बहुत अच्छा लगा। अब भाई मैं मैदान में बोलूं। हाय गाइस, हम आ गए हैं वृंदावन से।
कल जाएंगे हम बरसाना, उसके बाद जाएंगे हम हरिद्वार और फिर हम घर जाएंगे। तो मैं आज इनसे इनके रिव्यू पूछती हूँ कि वो कैसा महसूस हुआ और ये कितनी कितनी बार पहले आ चुके हैं यहाँ पे। चलो ये भाभी जी, भाभी जी से वाले शुरू करते हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे? राधे राधे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आऊँगी, एकदम से बन गया प्रोग्राम तो आई, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की छुट्टियाँ थी, घूमना भी हो गया, इन्होंने दोनों बच्चों को दर्शन करवाए, इतने छोटे छोटे बच्चे आप देखो, इन्होंने पूरे दर्शन किए और सबसे पहले जाते थे मंदिर में, सबसे पहले दर्शन करके वापस। वृंदावन में कैसा लगा और कितनी बार पहले आ चुके हैं? हमारी धड़कन है वृंदावन को ही क्या नहीं, क्या बता सकते वृंदावन को, बस बयान नहीं कर सकते धड़कन। वृंदावन वही आ जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। सही बात, हाँ जी, जब वृंदावन आ जाते तो वापस घर जाने को मन नहीं करता। सही बात, वृंदावन आ गए, वृंदावन तो वृंदावन। इसके अलावा और आपको क्या लगा कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए? भीड़ के बारे में उसमें कुछ राय होनी चाहिए, इसलिए अनुशासन बन जाए लाइनों में, कतारों में, हाँ, ताकि सभी लोग ना दर्शन, हाँ, इतनी दूर से आते हैं लोग, बड़ी आस्था लेके आते हैं, हाँ, तो वो अगर दर्शन नहीं हुआ तो इतनी दूर से आए और दर्शन नहीं कर पाए हम यहाँ आके। सब लोग दर्शन चाहते हैं भाई, ठाकुर जी के दर्शन होने चाहिए हमारे को। हम तो पहली बार आए, तीन चार बार आ गई है, तो मैं तो 15 दिन तक रुकी थी एक बार यहाँ पे। अच्छा, जब मेरी बेटी आई थी मैं शुरू में जो थी उसके साथ रुकी थी। अब हम दोबारा इनके साथ ही आएंगे, जो दोबारा आएंगे है ना, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा वृंदावन आके। हमारे घर ऐसा लग रहा है क्या कर यहीं पे रहे, बस यहाँ से जाए। कभी भी पहली बार आया हम तो यहाँ पे, पहली बार आया तो पहली बार इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता कि घर ही नहीं जाना, यहाँ से मन ही नहीं कर रहा जाने का। जन्मभूमि है हमारी श्री कृष्ण की, और यहाँ बहुत सारी लीलाएँ की है उन्होंने, तो मुझे जो यहाँ पे सबसे अच्छा लगा, मैंने जो सबसे अच्छा यहाँ पे पाया है वो है अनुरुद्धाचार्य के आश्रम में जाके हमने उनका लाइव जो भागवत है वो सुना है, और उनके हम आश्रम में भी गए थे जहाँ हमने भोजन किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, कि ऐसी जगह पे दान कीजिए। गरीब वो होता है जिसके हाथ नहीं होते और जिसके पैर नहीं होते हैं, जो अपने मुंह से नहीं मांगते हैं उनको दान कीजिए, है ना। बाकी तो यहाँ पे बहुत ठग लोग बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, है ना। और जो सबसे गंदी बात है यहाँ पे वो है, यहाँ पे लोग जो यात्री यहाँ आते हैं वो बहुत गंद यहाँ पे फैलाते हैं, तो प्लीज़ सफाई का यहाँ ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी की जन्मभूमि है ना। और ऐसी जगह पे जाके साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, प्लीज़ मेरा सभी से अनुरोध है। जो मुझे सबसे गलत लगा है वो जो हमने कूड़े के ढेर देखे। तो आपको इनके विचार कैसे लगे? बहुत सही, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इन्होंने सही बोला। रात को परफ्यूम